वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट मैच में बड़े मार्जिन से हराने के बाद टीम इंडिया तैयार है सेकंड टेस्ट मैच के लिए। तो क्या इस मैच में वेस्टइंडीज बाउंस बैक कर पाएगा या फिर इंडिया जीतेगा 2-0 से, उसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी हम बात करते हैं कैसा हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 कैसे दोनों टीम्स का, और मैं आपको बताऊंगा माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जिससे आपका मैच देखने का मजा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड से और देखते हैं कैसा हेड टू हेड रिकॉर्ड इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में। 99 टाइम्स ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं, 23 टाइम्स जीता इंडिया, 30 टाइम्स वेस्ट इंडीज और 46 टेस्ट मैचेस हुए हैं ड्रॉ। मैच खेला जाएगा ट्रिनिदाद में। अगर यहाँ की पिच की बात करें तो आपको बॉलर्स डोमिनेट करते हुए दिखाई देंगे। Now let's talk about the milestones that these bowling players would achieve in this match. विराट कोहली is just one match away from featuring in 500th international match. रोहित शर्मा is just 4 grabs away from completing 200 catches across formats. Test cricket में 1000 runs complete करने के लिए शुभमन गिल को चाहिए 73 runs. केमर रोच requires 3 wickets to complete 400 wickets across formats. जर्मिन ब्लैकवुड is just 5 grabs away from completing 50 catches in the test matches. West Indies के लिए इस बड़े मैच में player to watch out for है क्रेग ब्रैथवेट। West Indies जाएगा इस 2-0 वाले मैच में क्रेग ब्रैथवेट। दोनों इनिंग्स में शानदार खेले और वेस्ट इंडीज को जीत दिलाएं। वहीं टीम इंडिया की तरफ से प्लेयर टू वॉच आउट पर है विराट कोहली। विराट कोहली जब जब खेलते हैं तब तब उनसे काफी उम्मीदें होती हैं, तो इस मैच में भी विराट कोहली से काफी उम्मीदें होगी टीम इंडिया के फैंस को। इट्स टाइम फॉर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो, प्लेयर्स बैटल। क्रेग ब्रैथवेट वर्सेस आर अश्विन। क्रेग ब्रैथवेट ने आर अश्विन की 359 बॉल्स को फेस किए, 136 रन किए एंड 6 टाइम्स आर अश्विन गॉट द बेस्ट आउट ऑफ हिम। जर्मिन ब्लैकवुड वर्सेस आर अश्विन। जर्मिन ब्लैकवुड ने आर अश्विन की 84 बॉल्स को फेस किए, 46 रन किए और 4 बार आर अश्विन ने विकेट लिया है जर्मिन ब्लैकवुड का। अजिंक्य रहाणे वर्सेस केमर रोच। अजिंक्य रहाणे ने केमर रोच की 94 बॉल्स को फेस किए, 31 रन किए एंड 2 टाइम्स केमर रोच गॉट द बेस्ट आउट ऑफ हिम। और अब देखते हैं वेस्ट इंडीज का प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 कैसा है। क्रेग ब्रैथवेट के साथ ओपनिंग करेंगे टेक नारायण चंद्रपाल, फॉलोड बाय क्लिफ मैकेंजी। उनके बाद नंबर आता है जर्मिन ब्लैकवुड का, फिरेंगे एलिक अथानसा, जोशुआ डा सिल्वा, जेसन होल्डर, रकीम कॉनवेल, अजारी जोसफ, केमर रोच, जोवेन वॉरिकिन या फिर केविन सिंक्लेयर, इन दोनों में से कोई एक होगा प्लेइंग 11 में। वेस्ट इंडीज के बाद अब देखते हैं टीम इंडिया का प्रोडिक्टेड प्लेइंग 11 कैसा है। कैप्टन रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे यशस्वी जायसवाल, फॉलोड बाय शुभमन गिल, फिर आएंगे विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जडेजा, ईशान किशन, आर अश्विन, शार्दुल ठाकुर, जयदेव उनादकट या फिर मुकेश कुमार, इन दोनों में से कोई एक होगा प्लेइंग 11 में एंड मोहम्मद सिराज। तो गाइस हमने बात की हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11, माइलस्टोन्स, प्लेयर्स, बैटल पिच रिपोर्ट। आपको क्या लगता है कौन बाजी मारेगा, इंडिया या फिर वेस्ट इंडीज? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करने से मत भूलना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो। टेलीग्राम चैनल होकर नहीं आई तो होकर आओ, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे फिर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। Till then, take care, have a nice day.